विश्व स्वास्थ्य दिवस अवसर आस्था फाउंडेशन ट्रस्ट तरफ साइकिल रैली और पदयात्रा माध्यम रे कोरोना सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो सारी। वर्तमान समय रे बढ़ुवा कोरोना महामारी को नजर रखी आस्था फाउंडेशन ट्रस्ट और विश्वास फाउंडेशन मिलित आनुकूल्य भुवनेश्वर शिशु भवन छक पाखु राजमहल छक पर्यंत साइकिल रैली और पदयात्रा द्वारा एक न्यारा कोरोना सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम माध्यम जनसाधारण को मास्क पिंधा हाथ सानिटाइज करवा भिड़ न करवा दरकार नाहर न बुलवा बाहर छेप खकार न पकड़ स्लोगान माध्यम सचेतनता कर एही कार्यक्रम में शुभकांत सामल उर्मिलापति सुशांत पटनायक सस्मिता सामल अन्य माने योगदान करी एही कार्यक्रम को सफल करतिले। ब्यूरो रिपोर्ट AK14 टीवी। द्वितीय लहरी कोरोना संक्रमण आरंभ होइतिबा बेले आज गजपति जिला आरक्षी अधीक्षक तपन कुमार पटनायक सचेतनता करिबा पई राजरास्ता गोलाइछंती। कोरोनार द्वितीय लहरी गंभीरता को नहीं ओडिशा सरकार पक्षरु कोरोना नियम को कड़ाकड़ी पालन करने 10 दिनिया अभियान आरंभ करथिबा बेले पालाखेमुंडी मुख्य बाजार रु आज पुलिस विभाग पक्षरु कोरोना सचेतनता आरंभ करा जायछि। एही सचेतनतार मुख्य उद्देश्य हला जे कोरोना महामारी रो प्रकोप ठारु निजकु किपरि बंचै पारिबे एतिसो कोविड नियम जेपरि मास्क परिधान करिबा सामाजिक दूरता रखिबा सानिटाइजर आदि व्यवहार उपरे गुरुत्व दे जनसाधारण को सचेत करायतिला। एही परिप्रेक्षीरे विभागीय अधिकारी मानंक स पालाखेमुंडी SDPO रामकृष्ण पति पालाखेमुंडी आदर्श थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई प्रमुख उपस्थित रही एही कार्यक्रम को परिचालन करथिले। AK14 टीवी रिपोर्टिंग पालाखेमुंडी। राज्य सरकार बड़ घोषणा, नवम एकादश क्लास बंद। दिनकु दिन महामारी कोरोना भयंकर होबारे लागिछि जाकु लक्ष्य करी राज्य सरकार नवम एकादश श्रेणी क्लास बंद करिबाकु घोषणा करिछन्ती। सरकार अनुदान प्राप्त एवं घरे स्कूल रे मध्य क्लास बंद रहिबो। अप्रैल 30 पर्यंत क्लास बंद पई निर्देश देइछन्ती सरकार। हॉस्टल आवासिक स्कूल रे पढुथुवा पिलांकु घरकु चली जिबाकु निर्देश देइछन्ती। तबे दशम और द्वादश क्लास 25 पर्यंत चालू रखा निर्देश देइछन्ती। कोरोना स्थिति देखि बंद घोषणा कले राज्य सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट AK14 टीवी। एहा होची सेही दृश्य जोंठारे माओवादी और जवान मानंक मध्यरे होइतिला गुली विनिमय। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर टेकेलगुड़ा गांव में माओवादी थिवा संदेह करी आरंभ होइतिला सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन बेले जवान और माओवादी मुहांमुही होइतिले। सेठारे 22 जन जवान शहीद होता बेले 31 जन आहत होते। आक्रमण में माओ संगठन 4 जन कमरेड मृत्यु होता बेले कमरेड ओडिशनी मृतदेह को पुलिस नहीं जाता संगठन पक्ष एनकाउंटर पर 14 अत्याधुनिक बंदूक 2000 रु अधिक गुड़ माओ सामग्री को जबत कर मृत माओवादी आत्मार सद्गति निम्ते माओवादी माने करिथिले शोभायात्रा। एही शोभायात्रा वीडियो वर्तमान होउछि वायरल। मालकानगिरी जिल्लारु विवेकानंद नाथंग रिपोर्ट AK14 टीवी।